वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सगे भाई ने अपने ही 12 साल की मासूम बहन को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। भाई को बहन पर प्रेम प्रसंग होने का शक था, बस इसी वजह से घर में करीब 4 दिन तक बहन की पिटाई की। और यही नहीं, इस आरोपी ने बहन को गर्म चिमटे से उसे चटके भी दिए और आखिरकार 4 दिन तक प्रताड़ित होने के बाद उसने दम तोड़ दिया। मामला ठाणे शहर के उल्लास नगर का है। मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मधुकर कड ने बताया है कि लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी और इसके मां का देहांत हो चुका है और पिता अपने गांव थे। आरोपी ब्रजेश शुक्ला 30 साल जिसकी उम्र है, ये अपनी छोटी बहन पर प्रेम प्रसंग का शक कर रहा था और 4 दिन तक इसकी पिटाई की और इसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने बताया है कि 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मधुकर कड ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। एक इसम अपने साथ में एक छोटी बच्ची को लेकर सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर में आया था। वो डॉक्टर ने उसको चेक किया तो ब्रॉड डे करके घोषित किया था। उस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि वो लड़की को जो आदमी लाए लेके आया था वो उसका बड़ा भाई है, उसने मारपीट करके मार डाला है। वो पिछले 3-4 दिन से उसको मारपीट करता रहा। वो मारपीट करने का रीजन ये था कि उसको पीरियड आए थे और पीरियड आने का वो बता नहीं पाए कि उसको उसको कैसा ब्लडिंग हो रहा है, उसके ऊपर से उसने उसको मार डाला। आरोपी कुछ पार्श्व नहीं, आरोपी के खिलाफ कोई गुनाह दाखिल नहीं है और हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।